बात का यकीन है, मैं अपना जाती तजुर्बा बताता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बेटा तुमने नहीं दिया, आगे बंद करो सारे। ये टीचर कन्वेंशनली करता रहा स्टूडेंट के साथ, तो इसलिए ये बच्चों से बहुत डर के रहने की जरूरत है। तो डरने की बजाय उनके साथ दोस्ती लगाने की जरूरत है। हम कहें कैपिलरी कार्सिनोमा का एक सेल आ गए तो हमने टोटल थायराइडेक्टमी कर दी।
तो हो सकता है, और हम ये सारी चीजें करते भी रहे, हो सकता है एक बच्चे ने देखा हो कि रिसेंट जो है न्यूज क्लियर है कि स्टडी ने यह बताया है कि अगर पेपुलरी कार्सिनोमा 1 सेंटीमीटर से कम है और लिम्फ नोड नहीं है तो सिर्फ लोबेक्टमी वेजिस्टोमेक्टमी भी काफी है। तो पीछे बैठ के हंस रहा होगा कि सर को तो नहीं पता इस बात का, एक्चुअली तो मेरा अपना हुआ, मैं तो लोबेक्टमी कर दूंगा। बेटा तुमने नहीं दिया, आंखें बंद कर दो सर, तुमने ये टीचर कन्वेंशनली करता रहा स्टूडेंट के साथ। तो इसलिए ये बच्चों से बहुत डर के रहने की जरूरत है। तो डरने की बजाय उनके साथ दोस्ती लगाने की जरूरत है। सो दैट उनका, अच्छा तुम्हें ये पता है, यार वेरी गुड, इधर आओ बताओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था, वेल डन, तालियां। तो अब एक्चुअली उससे तो टीचर की इज्जत बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। तो ये मेरा ख्याल है। तो बेटा तुमने नहीं दिया, आंखें बंद कर दो सर, तुमने ये टीचर कन्वेंशनली करता रहा स्टूडेंट के साथ। जो मैंने कह दिया अब्बा जी आ गए हैं, अब कोई सांस ना ले, और टीचर यही करता रहा, टांगे ऐसे क्यों की, टांगे ऐसे क्यों की, टांग टांग क्यों हिल रही है, सीधे क्यों बैठे इधर। लेकिन अब नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर विद देम। और अगर हम ये वाला रोल मॉडलिंग करेंगे तो हो सकता है हमें लगे कि हमारी रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज हुई हुई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा ये फरमाया करते थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं हमारा दिल करता है कि हम उठ के खड़े हो जाएं, मगर क्या करें, उन्होंने हमें हुक्म दिया हुआ है कि ना खड़े, यानी हमारा दिल करता है खड़े होने के लिए, लेकिन हम इसलिए नहीं खड़े होते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि तुम मत खड़े हो। और एक रूमी आया, उसने कहा कि मैं उनकी महफिल में गया, उसमें कोई बड़ी कुर्सी नहीं थी, किसी किस्म का लिबास में कोई फर्क नहीं था, लेकिन मैंने देख के पहचान लिया कि इनके सरदार तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इट वाज हिज ओन नूर, इट वाज हिज ओन वर्चुअस यू नो पर्सनालिटी, के हालांकि कोई अलग से कोई तख्त नहीं था, अलग से कोई नुमाया कुर्सी नहीं थी, लेकिन मैं देख के पहचान लेता। तो ये वाला जो बड़ापन है ना जी, ये वाला बड़ापन एक्चुअली रिलेशनशिप के अंदर होगा। और मुझे इस बात का यकीन है, और मैं अपना जाती तजुर्बा बताता हूँ, कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो रिस्पेक्ट के एलिमेंट को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, वो तकद्दुस के एलिमेंट को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर हम उनको इजाजत दे देंगे कि ओपनली जो क्रिटिसिज्म है, ये जो सवाल है, वो हमारे साथ बयान किया जाए। ये मेरा ख्याल है, अगर हम ये करेंगे इंशाल्लाह तो यहां से हम यहां मूव कर सकते हैं, यहां से यहां मूव कर सकते हैं। इसमें से एक टीचर भी है, लेकिन कौन टीचर है ये नहीं पता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मोहब्बत से मिला। सो वक्त की किल्लत के वाइस हमारे पास सर को कहीं जाना है, सो अगर एक दो मुख्तसर से सवालात हों, बेहतर तो यही है कि चूंकि मुखातिब फैकल्टी थी, तो फैकल्टी ही अगर कोई सवाल करे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और इतनी मुदल्लल गुफ्तगू की।